नमस्कार, मैं रिजा संदील, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज 24। दिखाने जा रहे हैं आपको राजस्थान के सबसे तेजी से बढ़ते हुए नेटवर्क आवाज न्यूज 24x7 के माध्यम से कुछ खास खबरें। बता दें, जयपुर की कुछ खास खबरों की ओर एक बार प्रकाश डालेंगे, जहां पर जयपुर के न्यू सांगानेर रोड से खास खबर आ रही है, जहां के व्यापारियों के द्वारा, व्यापारी मंडल के द्वारा एक जो है JDC से मुलाकात की गई है, और इस मुलाकात में जिन मुद्दों पर विशेष चर्चा की गई है उसमें व्यापारियों ने अपना जो एक मत रखा है और उनका कहना है कि न्यू सांगानेर रोड की जो सड़कें हैं उनकी चौड़ाई को जो है ज़्यादा बढ़ाने की जो प्रक्रिया जो सरकार के द्वारा जो शुरू होने वाली है उसे वहीं रोक दिया जाए। और व्यापारियों ने साथ साथ जो है सरकार से ये आवेदन किया है कि वहाँ पर किसी भी प्रकार का रोड चौड़ी करने के लिए कोई भी नोटिस या तो भेजा ना जाए और साथ ही साथ किसी प्रकार की कोई जो है तोड़फोड़ को अंजाम नहीं दिया जाए। ऐसा व्यापार मंडल ने जो है JDC से मुलाकात के दौरान बातचीत की है, जिसमें JDC के जो अधिकारी हैं उन्होंने सहमति जताते हुए कहा है कि सरकार के द्वारा जो भी उपयुक्त कार्रवाई होगी वो उनके द्वारा की जाएगी, जिसमें व्यापारियों को कोशिश की जाएगी किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। आवाज़ न्यूज़ के साथ मनीष शर्मा, हम हैं JDA जयपुर विकास प्राधिकरण में। न्यू सांगानेर रोड से व्यापार मंडल के संयोजक कमलनयन गुप्ता जी से अपनी मुलाकात हुई है। ये अपनी समस्याओं और मांगों को रखने के लिए हमारे साथ हैं। कमल जी, आपका क्या कहना है न्यू सांगानेर रोड व्यापार मंडल की समस्याओं को लेकर? हमारे जो न्यू सांगानेर रोड व्यापार मंडल, इसमें लगभग 750 व्यापारी जो पिछले दिनों हाईकोर्ट ने PIL के आदेश पे 200 मिनट करने के आदेश करती थी, उससे प्रभावित हुए थे। हम लगभग 3 महीने से इसके लिए सरकार से वार्ता करने के प्रयास करते हैं। सरकार से हमने सभी स्तरों पर वार्ता की थी। आज JDC महोदय ने हमें बुलाया था, JDC महोदय से हमारी बहुत सकारात्मक बात हुई है। JDC महोदय ने हमारे सामने एक कमेटी बनाने का आश्वासन दिया है एडिशनल DC की अध्यक्षता में, और साथ ही CC महोदय को स्पष्ट आदेश दूरभाष पर हमारे सामने दिए हैं कि न्यू सांगानेर रोड पर किसी भी तरह के ना तो नए नोटिस दिए जाएँ और ना ही किसी तरह की तोड़फोड़ की कार्रवाई अग्रिम आदेश तक की जाए। चौड़ाई और वहाँ सड़क के विकास को लेकर उन्होंने कुछ एक अपनी बातें रखी हैं, उसमें हमने एक कमेटी बनाई है जो कि मास्टर प्लान में उस सड़क की क्या चौड़ाई है, पूर्व के मास्टर प्लान में क्या थी, भूमि का स्वामित्व क्या है, जो भूखंड हैं, जो दुकानें बनी हुई हैं उनकी क्या स्थिति है, और सबको देखते हुए और विभिन्न स्टेक होल्डर से बात करते हुए अपनी समग्र रिपोर्ट JDA को प्रस्तुत। यस, उन्होंने कहा है कि उस एरिया में कोई कार्रवाई नहीं हो, कोई नोटिस नहीं दिया जाए, इस संबंध में सर क्या कहेंगे आप? उनको नोटिसेस जारी किए गए थे। yes. नोटिसेस के क्रम में ही उन्होंने प्रतिवेदन दिया है, तो प्रतिवेदन पे कमेटी बनाकर मेरिट पर, गुण अवगुण पर, व्यापक जनहित में माननीय उच्च न्यायालय के जो आदेश हैं उनको ध्यान में रखते हुए निर्णय किया जाएगा, और उसके पश्चात ही कोई कार्य।